Hello everyone, welcome to on my YouTube channel Education Tube. Today we are going to talk about tension rise between India and China border in Ladakh region. So आज हम बात करने वाले हैं भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख वाले रीजन में देखा जाए तो LAC जो लाइन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां पर चाइना और इंडिया के बीच में जो है लगातार टेंशन राइज हो रहा है तो इसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें मैप के थ्रू आप यहां पे देख सकते हैं अक्साई चाइना जो है वो कश्मीर का हिस्सा था यानी कि अभी लद्दाख का माना जाए हिस्सा था वो जो है चाइना ने 1962 की लड़ाई में वो हिस्सा अपने कब्जे में लिया उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का भी उन्होंने कुछ पोर्शन जो है भारत का हिस्सा कब्जे में लिया तो यह जो है अभी भी चाइना का जो हिमाकत जो कर रहा है कि वो जो अपना छत्रवादी विस्तार नीति का जो फॉर्मूला वो अपना रहा है तो यहाँ पर भारतीय जो सैनिक है 50,000 की मात्रा में अभी जो है सोल्जर को लद्दाख वाले रीजन में डिप्लॉय किया गया है तो चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स है वो जो है लद्दाख में लगातार भेजे जा रहे हैं तो अभी जो है 50,000 सैनिक जो है LAC वाले रीजन लद्दाख में भेजा गया है क्योंकि देखा है तो चाइना जो है बहुत एग्रेसिव हो रहा है उस रीजन में। पिछले साल उन्होंने जो गलवान वैली में हिंसा हुआ था जिसमें देखा है तो लगभग भारतीय सैनिकों की भी जान गई थी लेकिन हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी से लड़ा था और चाइना को बहुत ठोस पहुंचाया था तो चाइना जो है दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे इसलिए हमारी फौजा जो है वहां पर लगातार तैनात हो रही है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में जो है घाटी में किस तरह से हमारे सोल्जर के जो है ट्रक जो है ट्रूप्स जा रहे हैं। Now you can see here the map of जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ पर आप मैप जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देख सकते हैं ये जो गलवान वैली क्लैश हुआ था पिछले साल ये वाला रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये गलवान वैली है और यहाँ पर जो चाइना जो बार बार इस लाइन जो LAC है इसका उल्लंघन कर रहा है और देखा जाए तो कश्मीर का पुराना हिस्सा यहाँ तक था 1962 की लड़ाई में जो है चाइना ने इसको कब्जा कर लिया था तो देखा जाए तो उसके बाद और चाइना अभी तक इसको कब्जा किया हुआ और यहाँ पर जो है फिर से वो अपनी एरिया में किस तरह से डिस्प्यूटेड एरिया इसको बनाते रहता है और यहाँ पर जो वो लगातार अपने जो है क्षेत्रवाद विस्तार नीति का जो फॉर्मूला चाइना अपना रहा है वो यहाँ पर हिमाकत कर रहा है तो ये एरिया जो है काफी बर्फीली है ठंडा है यहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है तो यहाँ पर सोल्जर को जो है 24 घंटा बॉर्डर पर तैनात रहने में बहुत मुशक्कत आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर जिसको कारगिल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है जो 1999 में हुआ था तो सियाचिन को जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था उसके बाद जो अभी इंडियन आर्मी का कब्जा है सियाचिन ग्लेशियर पर है तो उसका देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का एक बड़ा सा रीजन जो है पाकिस्तान एडमिनिस्टर कश्मीर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यानी पाकिस्तान यहाँ पर शासन कर रहा है और इंडिया के पास जो जम्मू कश्मीर वाला ये लाइन है यहाँ से ये सिर्फ इंडिया के पास है और यहाँ पर भी देखा तो चाइना इधर से परेशान कर रहा है और इधर से पाकिस्तान है यानी कि भारत को यहाँ पर दुश्मनों से घिरा हुआ एक तरह से देख सकते हैं। पीछे आगे में देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर के पीछे पाकिस्तान है आगे भी चाइना है तो हर तरह से जो है जम्मू कश्मीर का जो मसला है पूरी तरह से देख सकते हैं कितना चैलेंजिंग रहा है चाहे जितना भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इंडिया में यह जो है मुद्दा हमेशा बना ही रहा है जब से आजाद हुआ है। और चलिए इसके बारे में जानते हैं अभी जो चाइना और इंडिया के बीच में जो यहाँ पर LAC को लेकर के टेंशन बढ़ रहा है तो यहाँ पर न्यूज है इवन मोर सोल्जर पेट्रोलिंग बोथ साइड ऑफ द डिस्प्यूटेड एरिया एनी मिसकैलकुलेशन को टर्न डेडली तो यहाँ पर देखा है तो 50,000 से अधिक सोल्जर ने अभी इंडिया ने डिप्लॉय किया है और ये माना जाता है कि एरिया जो है डिस्प्यूटेड है और दोनों साइड से यानी चाइना भी अपना जो है सोल्जर उस एरिया में बढ़ा रहा है तो अगर यहाँ पर कुछ भी किसी तरह का मिसकैलकुलेशन होता है तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ओर से बहुत सारे सैनिकों की जान जाएगी। इंडिया हैज रीडायरेक्टेड एटलीस्ट 50,000 एडिशनल ट्रूप्स टू इट्स बॉर्डर विद चाइना इन ए हिस्टोरिक शिफ्ट टुवर्ड्स एन ऑफेंसिव मिलिट्री पोस्चर अगेंस्ट द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी अभी देखा है तो चाइना को दुनिया का सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी माना जाता है लेकिन हमारी मिलिट्री जो है कितनी भी बड़ी इकोनॉमी वाला कंट्री हो उसको टक्कर देगा ही क्योंकि अगर हमारे देश पर किसी भी तरह का भारी
हाथ आता है तो हमारे सोल्जर खुल करके उसका सामना करते हैं। तो यहाँ है 50,000 सैनिक इंडिया ने डिप्लो किया है। और मैं बता दूं कि यह भारत जो है 21वीं सदी का भारत है, 1962 वाला भारत नहीं रहा है जो कि चाइना का मुकाबला ना कर पाए। यहाँ पे देखें अलदाउ द टू कंट्रीज बैटल इन द हिमालयन इन 1962। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि चाइना ने जो वहां पर 1962 में आक्रमण किया था अरुणाचल पाले प्रदेश रीजन में और जो अक्साई चाइना को अपने कब्जे में लिया, तो वहां पर भारत जो है एक तरह से देखा जाए तो युद्ध को हार गया था। और 1962 की स्थिति जो है चाइना अभी भी समझ रहा है भारत को, तो यह स्थिति जो है चाइना भूल कर रहा है यहाँ पर। और हमारे 50,000 सोल्जर अभी डिप्लो हो गए हैं। तो हमारे सोल्जर ने पिछले साल जो गलवान वैली में जो हिंसा हुआ था उसमें बहुत ज्यादा सैनिक जो है चाइना के मारे गए थे, जिसको आंकड़ा जो है चाइना ने बाद में पब्लिश किया था और उसने तत्काल छुपा के रखा था। तो देखा जाए तो हमारी सेना किसी भी स्थिति में कम नहीं है और हमारे ये संसाधन जो है मिसाइल वेपन्स गन फाइटर जेट सभी जो है अभी संपूर्ण मात्रा में है। तो चाइना को हम किसी भी स्थिति में टक्कर देने के लिए रेडी हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडिया स्ट्रेटेजिक फोकस हैज प्राइमरली बीन पाकिस्तान सिंस द ब्रिटिश लेफ्ट द सब कॉन्टिनेंट विद द लॉन्ग टाइम राइवल्स फाइटिंग 3 वार्स ओवर द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ कश्मीर यट सिंस डेडियल ईस्ट इंडिया चाइना। तो जब से भारत आजाद हुआ है तो देखा है तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार युद्ध हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा भारत के सामने टिक नहीं पाएगा चाहे कितना बड़ा युद्ध कर ले। लेकिन ये जो चाइना अभी जो भारत के साथ जो है इस तरह का राइज टेंशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो बड़ा ही खतरनाक रूप ले सकता है, क्योंकि दोनों देश देखा जाए तो दोनों की मिलिट्री पावरफुल है और दोनों के पास देखा जाए तो अभी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वार का जमाना आ गया है। तो आप बोल सकते हैं कि दोनों समृद्ध देश है, अगर युद्ध होता है तो ना तो इंडिया जीत सकता है ना तो चाइना जीत सकता है, क्योंकि इन न्यूक्लियर वेपन्स का अगर यूज होता है तो दोनों जो है देशों को उतनी ही हानि होने का संभावना है। देखिए अब फाइटिंग इन डिकेट्स लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन हैज साउथ टू ईस्ट टेंशन विद इस्लामाबाद एंड कॉन्सेंट्रेट प्राइमली ऑन काउंटरिंग बीजिंग। उसके बाद देखा है तो कुछ साल पहले देखा जाए तो यहाँ 2019 में इंडिया ने जो है पाकिस्तान वाले रीजन में घुस करके एयर स्ट्राइक किया था, इसमें बहुत सारे उसके आतंकवादी मारे गए थे। और उसके बाद देखा है तो अभी जो है बारी चाइना की है, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है इस काउंटर को जरूर जो है जीतेगा। देखा जाए तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिचुएशन है लद्दाख का, वहां पर सालों भर बर्फ जमी रहती है और इतना देखा जाए बर्फ वहां पर है कि सोल्जर को 24 घंटा पेट्रोलिंग करने में काफी मशक्कतें करनी पड़ती है। तो फिर भी हमारे देश के जवान जो है 24 घंटा इतने ठंडे बर्फ वाले एरिया में तैनात रहते हैं ताकि हम सब जो है चैन से सो सकें। तो चलिए हमारे आर्मी को एक बार सैल्यूट करते हैं एंड यहाँ पर और न्यूज पढ़ते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स इंडिया हैज मूव्ड ट्रूप्स एंड फाइटर जेट्स स्क्वाड्रन टू 3 डिस्टिंक्ट एरिया अलोंग द बॉर्डर विद चाइना। और पिछले कुछ महीने में देखा है तो इंडिया ने बहुत सारे ट्रूप्स फाइटर जेट वहां पर उतारे हैं। और उसके बाद देखा अकॉर्डिंग टू द 4 पीपल फैमिलियर विद द मैटर ऑल इन ऑल इंडिया नाउ हैज रफली 20,000 ट्रूप्स फोकस्ड ऑन द बॉर्डर टू ऑफ देम सेड व्हिच इज एन इंक्रीज द मोर देन 40% फ्रॉम लास्ट ईयर। और देखा जाए तो यहाँ पर 20,000 जो है सोल्जर पूरी तरह से बॉर्डर पर रहेगा और उसका देखा है तो पिछले साल की अपेक्षा जो 40% जो है सोल्जर की जफा हुआ है, क्योंकि पता है कि चाइना कहीं ना कहीं जरूर खुराफाती करेगा और उसको टक्कर देने के लिए काम भारी मात्रा में सोल्जर का होना बहुत जरूरी है। द करंट सिचुएशन ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज जनरली स्टेबल एंड द टू साइड्स are negotiating to resolve relevant border issue, Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Weibin ने बोला है वहां पर। इस तरह से देखा है तो दोनों देश का जो सिचुएशन बॉर्डर वाला वो डिस्प्यूटेड तो है, लेकिन अभी जो स्थिति दोनों का स्टेबल है। एंड टोल ए रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग इन बीजिंग मंडे इन रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन अबाउट ट्रूप डिप्लॉयमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट द वर्ड्स deeds the and military deployment of relevant military and political leaders should help ease the situation and increase mutual trust between the two side, not the other way around.
तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो दोनों देश के बीच में जो टेंशन राइज हुआ है, और उसके जो चाइना मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन है वांग वेनबिन, उन्होंने बोला है कि अगर दोनों देश के लीडर जो है बातचीत करें तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा और हमारे रिश्ते मधुर होंगे, तो इस तरह से जो है सिचुएशन कम डाउन हो सकता है। तो इस तरह के जो है चाइना के बयान आ रहे हैं, तो ये माना जाता है कि चाइना नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि चाइना 1962 वाला भारत समझेगा तो बहुत भूल होगा चाइना को और बहुत उसको हानि होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सैल्यूट करते हैं हमारे जवान को एक बार।